इंग्लिश, इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे करी? क्या इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश तो आप नहीं पढ़ा रहे थे, ठीक हाँ है, जी तो इंग्लिश में कोई चैलेंज आपको लगा, या फिर आप, आपकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में है, हाँ जी राइट, उसका कोई एडवांटेज रहा, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। सर, स्कूल में स्पीच और डिबेट वगैरह में मैं हमेशा आगे रही हूँ, तो इंग्लिश मेरी काफ़ी सही रही है स्टार्टिंग से ही। बट हाँ, इंग्लिश जब पढ़नी स्टार्ट की तो स्पीकिंग इंग्लिश और जो ग्रामेटिकल इंग्लिश होती है उसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो मैंने क्या किया, जब मैं चैप्टर की रीडिंग लगा रही थी तो उसके बाद मुझे कुछ समझ में आया, क्योंकि बहुत सारे रूल्स ऐसे होते हैं जो कभी यूज़ ही नहीं होते। अभी मेरे पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि मैं बैच के साथ साथ ही मुझे करना होता था, उसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं बचता था। तो मैंने चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं मैंने वो अटेम्प्ट करने स्टार्ट किए। जो मेरी मिस्टेक्स थी वो मैंने मार्क करी, उसके बाद उनके रीज़न थोरोली पढ़े कि इसके अंदर क्या मिस्टेक रही, क्योंकि वो क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हुए थे। तो मुझको ये पता लग गया कि SSC में थोड़े से जो पैटर्न होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो मुझे ये पता लग गया कि ये रूल्स काफ़ी रिपीट होते हैं, तो मैंने अपने उन रूल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। इसके अलावा इंग्लिश में सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वोकैबलरी अब मैंने तैयारी की थी प्लिंथ टू पैरामाउंट से, वो भी मेरी सीनियर ने भिजवाई थी, तो वोकैबलरी मैंने उनकी की। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस सेट कर रही थी तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हमसे नहीं होते, तो मैंने क्या करना स्टार्ट किया, क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर होता है। अगर आपको नहीं पता तो वो आपकी वोकैबलरी में ऐड हो गया, लेकिन अगर आपको पता है तो मैंने वो बचे हुए 3 ऑप्शंस भी देखने स्टार्ट किए। तो इस तरीके से मेरी वोकैबलरी काफ़ी एक्सपेंड हो गई। तो वोकैबलरी मेन थी, क्योंकि वोकैबलरी से ही एंटोनियम सिनोनियम ये सारे बनते हैं। वो जो वर्ड्स थे आपने बोला 3 ऑप्शंस, और वो उनकी मीनिंग्स आप कहाँ से देखते थे? सर उनके मीनिंग्स बुक थी, प्रैक्टिस सेट तो वो सॉल्ड बुक्स थी, उनके पास रहते थे। और उस टाइम तक मेरा भाई BTECH कर रहा था, तो उसको हमने सबसे पहले स्मार्टफोन दिलवाया, तो वहाँ से। अदरवाइज उनका इतना ज़्यादा इशू नहीं बना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में सारे सॉल्यूशन होते ही थे, उसमें सारे ऑप्शन की मीनिंग लिखी रहती थी। इसके अलावा ग्रामर, मतलब मुझे ज़्यादा इंग्लिश वाले पता नहीं, तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपने जो बुक का नाम लिया है वो बुक सारा कुछ कवर करता है, या वोकैबुलरी के लिए कुछ अलग से रिसोर्सेज, ग्रामर के लिए अलग से? नहीं सर, मैंने वही बुक की है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स करने की नीड नहीं है। आप एक बुक्स उठाओ और एक बुक को उठा के उसको रिपीट करो। उस बुक में पूरा इंग्लिश कवर्ड है? हाँ जी। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपने अलग से किए? सर जैसे जब मेरे को ये लगा कि मेरे सारे बेसिक चैप्टर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट एक बार मैंने कर लिए, तो मैं बुक लेकर आती थी, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट के बुक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होते थे और प्रैक्टिस सेट भी होते थे, तो मैंने वो प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू किए और मैं उनको भी रिपीट करती थी। तो इस तरीके से मेरे क्वेश्चंस जो है, मतलब मेरी स्पीड बढ़ गई। एक तो पढ़ाने से भी आपकी स्पीड बढ़ जाती है जब हम पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने की वजह से भी मेरी स्पीड अच्छी ही थी। और दूसरा, जब मैंने रिपीट करना क्वेश्चन स्टार्ट किया, मैं टाइमर लगा के प्रैक्टिस सेट करती थी, तो उस हिसाब से भी मेरी स्पीड काफ़ी सही हो गई। ओके, तो इंग्लिश में मोटा मोटा मैं समझूं, आपका प्रीवियस ईयर और वो बुक। यस। रीडिंग वीडिंग भी करते थे आप इंग्लिश में, न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह? नहीं सर, मैं न्यूज़पेपर की रीडिंग नहीं करती थी। और इसके अंदर ना ऐसा होता है SSC, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पैटर्न बहुत रिपीट होते हैं, और SSC में मैंने क्या किया है, मैं चीज़ को प्रॉपर लर्न करने के बजाय, जब आप उसको 3-4 बार आप पढ़ लोगे ना, आपके दिमाग में आइडिया आ जाता है कि अच्छा ठीक है, आपको इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन कई बार लग जाते हैं, तो एलिमिनेशन ऑप्शन मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। इसके अलावा जब आप कई बार रिपीट करते हो तो आइडिया आ जाता है दिमाग में कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो। और ये इंग्लिश में बाकी जो एरियाज होते हैं, क्लोज टेस्ट वगैरह वगैरह, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स? सर इसके लिए मैं, जैसे क्वेश्चन मैंने क्या करना स्टार्ट किया, मैं पढ़ती थी, अगर वो समझ में आ जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस सेंटेंस के बाद ये सेंटेंस है। अगर मुझे समझ नहीं आए तो स्टार्टिंग में मेरी इसमें बहुत मिस्टेक्स होती थी। जब मेरी स्पीड, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सही थी, तो मैंने क्या करा, जब मेरे क्वेश्चंस रह जाते थे मैंने उनके ऑप्शंस पढ़ने स्टार्ट करे। तो जो पैरा जंबल सेंटेंसेज होते हैं, मैं ऑप्शंस पढ़ती थी कि इस सेंटेंस के बाद ये सेंटेंस जुड़ पा रहा है या नहीं जुड़ पा रहा, तो उस हिसाब से भी मुझे पता लग जाता था कि इसका आंसर करेक्ट कौन सा है। ओके।